गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद आज फाइनली जाके भाई खेतों से थोड़ा रेस्ट मिला है। और आज मैं ना अपने घर की, आप देख सकते हो जो दूसरी वाली छत है, उसके ऊपर चढ़ गया हूँ। मैंने कहा थोड़ी धूप सेक ली जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल ना टाइम वैसा आ गया है, और ऊपर से आज छुट्टी वाला दिन है। तो ये लोग भी देखो यहाँ पे छत पे चढ़ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं यहाँ से। कोई नहीं, सच में थोड़ा ना देख के चलना पड़ता है, क्योंकि ये नीचे से जो आप देख सकते हैं ना स्लेटों वाले घर रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्लेट बीच बीच में वीक भी होते हैं। यहाँ पे चढ़िए और पाइए हमारे पुराने घर में जाने का आनंद। क्योंकि दोस्तों एक बात तो है कि यहाँ से अगर इन पहाड़ों को आप देखते हैं ना, तो नज़ारा जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और मैं तो कई बार यहाँ पे सच बताऊँ तो इन पहाड़ों को देखते देखते सो भी जाता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है ना कि मैं तो भाई गलती से चढ़ गया हूँ बिना चप्पल डाले यहाँ पे, ठीक है। और मेरे ना यहाँ पे ये स्लेट जो है वो ऊपर से धूप अच्छी लग रही है, बट स्लेट इतने गर्म हो रखे तो तुम्हें पता है यहाँ पे ना बिना मतलब चप्पल डाल के चढ़ते नहीं घर के ऊपर, वो पहले नहीं चढ़ते थे। हाँ, क्योंकि पहले लोग घर में रहते थे, तो ऐसा माना जाता था कि चप्पल डाल के जो है ना वो घर के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। पर चलो आज की डेट में इस घर में कोई भी नहीं रहता है, तो ऐसे में फिर हम लोग जो है वो चढ़ गए। या ना यहाँ पे कुछ ढूंढ ली, चीज ढूंढ ली, मतलब सदियों बीत जाएंगी सालों साल, मेरे को लगता है अगली पीढ़ी आ जाएगी पर ये दिल कभी नहीं मिटेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये मैंने एक दिल बनाया था, साल पुराना है, मतलब आज से कम आप ये साल लगा लो कि कोई 7-8 साल पुराना, उससे भी ज्यादा पुराना हो गया। अगर 9-10 साल लगभग इस चीज को बीत चुके होंगे उस टाइम पे है। ये बनाया किसके लिए? ये आज तक हंस रहा है कि ये बनाया किसके लिए? ये दिल मैंने ऐसे बना दिया था उस टाइम पे ना, पेंटिंग करते करते होता है ना दिल वाली वो। और सच बताऊं तो मैंने उस टाइम पे ना ऐसे इस स्लेट पे हम चढ़ के धूप सेकते थे, तो ऐसे मजे मजे में पत्थर के साथ ही बना दिया था। बट आज तक भाई आप देख सकते हो कि इसकी जो शेप है ना वो मिटी नहीं है। और एक बार अगर इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ी थोड़ी वो कर दूं ना पेन से, तो ये सालों साल चल जाएगा, सालों साल चलने वाला है। तो भाई आज फिर से ये दिल को नया बनाने में लगे, अब नहीं मिटता ये, मेरे को लगता है। मैं बोल रही हूँ अगली पीढ़ियाँ आ जाएंगी पर ये दिल नहीं। अब ये देखो, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था उस टाइम पे, जब ब्लॉगिंग नहीं करता था उस टाइम पे मैंने बनाया था, और अब एक बार फिर से बना के छोड़ दूंगा ना, तो मेरे को लगता है ये अब फिर से 8-10 साल और रहने वाला है। दिल तो बन गया है पर भाई इसमें बीच में एक तीर भी लगा रहे तीर देखो ये ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी शेप में ऑलरेडी एक तीर लगा हुआ है। और पहले ना जो भी दिल बनाते थे उसका क्रेज कुछ इस तरह से होता था, वो उसमें ऐसे तीर लगाते थे फिर दोनों तरफ ऐसे ऐसे निशान बनाते थे ना, वैसे ही बनते थे पहले तो दिल। हाँ ये बात तो सही है। तो देखो यहाँ पे ना इस तरह से हमने एक दिल बना दिए, यहाँ से आधा रखना होता है कि यहाँ से घुसा ये। चलो अब की बार ऐसा करते हैं पूरा ही कर देते हैं ना देखो यहाँ से ऐसे लाइन लगा देते हैं, अब ये खाली तीर रखा हुआ है। हाँ, ऐसे, तीर ऐसे। की वैल्यू कम हो गई आज की डेट में, है ना, स्ट्रॉन्ग। तो खाना दोस्तों फाइनली अभी हो चुका है कंप्लीट, एंड इसके बाद मैं कर लेता हूँ भाई कल वाला अपना व्लॉग जो है वो एडिट। और यहाँ पे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अब अपना काम करने। अच्छा, होमस्टे में भाई, ये लोग जो है ना वो कपड़े कुपड़े धोते हैं अपने, तो ठीक है मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ और तुम लोग करो अपना काम। रिया और शीतल काम करने में बिजी है, उतनी देर में आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मेरे हाथ में जो फोन है, ये फोन रिया का फोन है, और इसकी आप कंडीशन अगर देखोगे तो ये फोन ना प्रॉपरली टूट चुका है बेचारी रिया का फोन। पहले इसको मैं इस्तेमाल करता था तो इसका बैक पैनल थोड़ा थोड़ा टूटा था, बट उसके बाद में पता नहीं क्या इसने एक बार नीचे फेंका या क्या हुआ, बट इसका देखो पैनल वगैरह प्रॉपरली निकल गया है यहाँ से। तो आज की डेट में ऐसे है कि रिया का ये जो फ़ोन है वो स्विच ऑन भी नहीं होता है। और ऐसे में ना क्या किया है कि मम्मी के पास एक फ़ोन था, ठीक है, और मम्मी भी आपको पता है सारा दिन काम तो करते रहते हैं, तो शाम के टाइम पे कभी कभी वो भी लेट के ना रील्स देख लेते हैं टाइम पास के लिए, जो उनको फ़ोन दे के रखा था। तो मम्मी और रिया ने मेरे को बिना बोले, मतलब इतना ये मैनेज कर लेते हैं, बिना बोले मम्मी ने अपना फ़ोन दे दिया रिया को, और मम्मी के पास चला गया एक सिंपल फ़ोन जिसमें कि रील्स वगैरह नहीं चलती है, मतलब बिल्कुल वो नोकिया 1110 वाला होता है ना वो वाला फ़ोन। और रिया जो है वो मम्मी का फ़ोन चला रही थी, तभी देखो यहाँ पे रिया का फ़ोन भी पड़ा हुआ है। और इसमें ना क्या होता है कि जैसे ही इसका कुछ डाटा वगैरह ऑन करो, ठीक है,
तो ये ना फंस जाता है, मतलब प्रॉपरली चलने नहीं लगता है। देखो जैसे इसका डाटा मैं ऑन करूँगा, देखो आप देख रहे हो ना, मतलब ये कितना हैंग हो रहा है, दो दो तीन तीन बार इसको, और बीच में से ये ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। मतलब कोई भी ऐप ओपन करो तो वो 5 मिनट ओपन होने में ले लेगी, कुछ ऐसी कंडीशन है। तो ना ऐसी कंडीशन कुल मिला के फ़ोन की हो गई थी। तो आजकल आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल लगी पड़ी थी, तो मैंने क्या किया है ना कि उस सेल से रिया को चुपचाप एक फ़ोन मंगवा दिया, ताकि मम्मी का फ़ोन मम्मी को वापस मिल सके और रिया का भी काम हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही मेरे को कॉल आया था डिलीवरी वाले भाई की तरफ से कि आपका जो पार्सल है वो पहुंच चुका है। तो मैं जस्ट भाई उसको लेने के लिए अभी रोड में आया, और साथ में देख सकते हैं आप सिम्बा जो है वो साथ साथ चलता ही रहता है। तो चलो फटाफट पार्सल लेते हैं। आ गया, अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। अभी देखो हरिया की सरप्राइज गिफ्ट लेके फाइनली मैं लौट चुका हूँ सड़क से। और दोस्तों सही बताऊँ तो इस टाइम पे ना हरिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है मम्मी के फ़ोन से ना, फिर आपने कंडीशन तो देखी कि वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। और हरिया मेरे को बोल भी नहीं रही थी कि भाई मेरे को नया फ़ोन चाहिए, ऐसा चाहिए। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे अपनी सिस्टर की, कि वो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ें, क्योंकि सीखे हुए हैं यार शुरू से सारे के सारे। तो अब क्या है ना, उसको जाके सरप्राइज करते हैं। एक तो चलो एक ये भी हो गया कि रिया पूरे कॉलेज में सेकंड आई है, तो उसको उस चीज़ का ये एक छोटा सा गिफ्ट भी मिल गया। ऊपर से इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा नीड थी इस चीज़ की, तो ये भी कंप्लीट होगी। तो चलो अब घर में पहुंचने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। फिर जाके रिया के जो है वो रिएक्शन चेक करते हैं कि उसको जब ये फ़ोन गिफ्ट पे मिलेगा अपना फ़ोन टूटने के बाद, तो उसके क्या रिएक्शन होने वाले। तो देखो दोनों के दोनों जनाब बैठे हुए हैं अभी पढ़ने के लिए। वाह 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 वाह, पढ़ पढ़ के तुमने तो दिन रात एक कर लिया। हाय हाय, क्या आप कहाँ से आई हो, इतनी बड़ी खुश खुशी नहीं लग रही? हाँ सड़क में गया था। सड़क में जाके कौन सी आप कैसी हैप्पीनेस मिली अभी? चलो सरप्राइज लेके आया हूँ मैं रिया तेरे लिए स्पेशली। मेरे लिए? हाँ सोचो क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं, सड़क से नहीं आइडिया मिल रहा, सड़क से क्या सरप्राइज आ सकता है। चलो आंखें बंद करो अपनी, ठीक है? सच में? हाँ आंखें बंद करो ना, फिर दिखाता हूँ मैं, ठीक है? चलो ये लो, आया समझ? नहीं। तेरे लिए फोन लेके आया हूँ, जो तेरा फोन टूट गया है ना उसके लिए, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, सच में फोन है तो आप देख के भी नहीं लग रहा क्या? देखो शीतल भी एक्साइटेड है, शीतल तेरा था मन। क्या हुआ? सो मच, वेलकम वेलकम वेलकम। तो ये देखो रिया की खुशी यहाँ पे, तेरा तेरा तो ठीक है ना अभी तक? ठीक है, खुशी मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने तो देखो अनबॉक्स भी नहीं किया तेरे लिए, क्योंकि तेरी हैप्पीनेस बनी रहे उस चीजों के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है? तो मेरे को ये डिस्काउंट पे मिल रहा था और चुपके से मैंने ऑर्डर भी कर दिया था, पता है? देखो इतनी, तो बेटा जब पढ़ लिख लोगे ना तो तुम मेरे को भी कुछ ना कुछ फिर देखो गिफ्ट तो दोगे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो लो फाड़ लो किसी न किसी तरीके से, और चलो आप लोगों को भी साथ ही साथ में रिया का फोन दिखा देते हैं। और ऊपर से ना रिया से ज्यादा खुशी तो मम्मी को होने वाली है, क्योंकि मम्मी का फोन जो है मम्मी को वापस मिल जाएगा। क्या बोलते हो बेचारी मम्मी? शीतल देखा है ना तुमने, मम्मी कैसे बैठी होती है शाम को यहाँ पे, ना बिना फोन के ना कुछ ना कुछ कर पाते हैं। और इतनी खुशी हो रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। बोलना तो क्या है, चलो बढ़िया है, यहाँ दिखा, मैं दिखाता हूँ। चलो सब लोगों को भी दिखाई देते हैं रिया का फोन। शीतल तू भी एक्साइटेड है देखने के लिए, है ना? ज़्यादा तो मैं। तेरे को भी रिया का दुख होता था रिया जब दूसरा फोन चलाती थी? मेरा ही फोन लेती थी। ये भी देख रहे हो ना भाई इनका क्या है आपस में, कि मेरा ही फोन लेती थी। तो ये देखो जी रिया का नया फोन यहाँ पे आ चुका है, दिखाओ। ओहो वाह 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 जी वाह, ठीक है? नहीं नहीं टूटता इतना भी, क्या रिया इतना भी वो नहीं होना चाहिए। देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, तो भी इसको लग रहा है कि अभी कहीं मेरा फोन टूट ही ना जाए। निकाल लो नीचे ऊपर से, हाँ नहीं टूटता। तो ये रहा जी फोन रिया का, और ठीक है बढ़िया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कुछ शब्द बोलना चाहोगे? मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे सच में शब्द नहीं निकले, मेरे को पता नहीं क्या बोलूं। ओह तो फाइनली ऑन हो गया। फाइनली यहाँ पे फोन जो है वो चार्जिंग लग चुका है। अच्छा इसके ऊपर एलईडी भी जलती है क्या ऐसी? वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो ये है ना, इनसे सच बता रहा हूँ भाई, अब मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ ना कैमरा के सामने, अब
जो रिएक्शन इनके रेल में होते हैं ना वही रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि भाई तुम तो मुझ लोग ऐसे करो, वो नहीं हो पाता भाई। इसलिए क्या हो गया खुशी, मैं वेट कर रही मेरे फोन का देखो अभी तक चल रहा है भाई, ठीक है, हैप्पी हो ना। अब क्या है ना कि मम्मी को भी ये चीज नहीं पता, और जो मम्मी को फोन देंगे ना वापस, तो भाई उनको भी जो मतलब, या फिर मम्मी को नया दे दे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। रहने दे, तेरा दिल टूट जाएगा बेचारी का, तू ले लेने है ना। तो मम्मी को ना पूछ लेंगे, मम्मी ऐसे खुद से नहीं लेंगे, हमें पता है। पर ठीक है, मम्मी के पास मम्मी का फोन जाएगा तो मम्मी देखो क्या बोलती है। तो यहाँ पे देखो आप, रिया की जो है वो पार्टी हो चुकी है शुरू, और रिया भाई सबको कुरकुरे खिला रही है आज, ठीक है। शम्मा तूने भी खाए कुरकुरे, कैसे लगे? कौन सी क्लास में हो गए इसकी? सब कुछ एकदम मस्त। तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही हाँ? ये क्या शर्माता है क्या? देखो आपने अपने गांव के लड़के ऐसे होते हैं भाई, छोटे छोटे भी ना कैमरा से बहुत ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। क्यों शम्मा? वैसे ये रियल लाइफ में पता कितना डेयरिंग है। हाँ ये तो है, कैमरा ऑन होते कर कर नहीं थकता ये। हाँ रियल लाइफ में है बट कैमरा के सामने पता नहीं क्या हो जाता है। चल अभी बातें सुना दे हमको। इसे थोड़ा ऐसा लगता है कि इसके टीचर वगैरह का ब्लॉग देख लेंगे तो वो क्या बोलेंगे। देखते हैं टीचर, सारे ब्लॉग देखते हैं, इसको सारा खतरा पड़ा होता है। अभी देखो यहाँ पे, हेलो मम्मी जी। हेलो हेलो, कैसा गया दिन आज का? आज का दिन तो यहाँ पे घर पे तो अच्छा गया, पर वो तेरी मासी के साथ गई थी ना मैं। अब रिया अच्छा, रिया क्योंकि देखो पता क्या है ना कि हमने सीधा डिसाइड करना है। मम्मी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये नया फोन है रिया का, और लेऊंगी मैं पुराना क्यों? मेरी मासूम शक्ल तो देखो, देख देख तेरी शक्ल, जब से तेरे को जन्म दिए तब से देख रही हूँ तेरी शक्ल। तो कौन सा मम्मी सीधे बताओ कौन सा चाहिए आपको? कसम से आप जो बोलोगे ना, ये देख रही है इसके ऊपर मेरे को दया आ गई, मैं पुराने वाला ले लेती हूँ। पुराने वाला ले लेते हो तो खुश हो अपना फोन मिलने से? ये लो फाइनली भाई, मम्मी के पास भी मम्मी का फोन चला गया। पुराने फोन की कीमत मम्मी के लिए किसी ब्रांडेड फोन से कम नहीं है। चलो तेरा तो ऑलरेडी तेरे को देख रखा है, और देखो आज के दिन में इसने हालत क्या कर दी है। अब मम्मी रील्स देखते रहो, ठीक है? ठीक है ठीक है, क्योंकि मम्मी भाई ऐसे है ना, इंटरनेट डाटा मम्मी का कर दिया रिचार्ज? अभी तक नहीं किया, बस कर रही हूँ। हॉटस्पॉट लेके कर लेते हैं मम्मी जुगाड़ पर भाई, यहाँ पे बैठे अभी नहीं करना है, अभी इसमें दूसरे पैसे डाले हुए ना। अच्छा अभी मैं हॉटस्पॉट लेके कर। दूसरे वाला फोन कहाँ गया मम्मी आपको जो आप यूज कर रहे थे? पता नहीं कहाँ रखा है उसकी। देखा उसकी कीमत अब थोड़ी घट गई। नहीं उसकी कीमत नहीं घटा, वो पता कैसा फोन है वो, मतलब किसी का भी फोन खराब हो जाए तो जरूरत पड़ने पर सब इसी फोन को। चलो ठीक है, नोकिया के सिंपल फोन की यही तो स्पेशलिस्ट है। मैंने कहीं बस खुश होना दिल से, रिया तू भी खुश है, मम्मी आप भी खुश हो, बस फिर आप दोनों को देख के मैं भी खुश हूँ, ठीक है। तो बोलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, ठीक है, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है, बाय बाय कर दो, सब्सक्राइब करने को बोल दो सबको। क्या बोल, मेरे को बोलने नहीं आता। मम्मी कितना टाइम हो गया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ ठीक है।